नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम HCC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 38.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने वेनसडे को 1.98% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 6,496 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 18.60% है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है, -3.90। डिविडेंड ये स्टॉक देते हैं, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 15-200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो सेल्स एंड मार्जिन थोड़ा सा डाइव डाउन किया है, पर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स पिछले 4 क्वार्टर से डिक्रीज होती जा रही है लगातार, तो ऑफकोर्स ये छोटे से कंसर्न की बात है, होपफुली ये रिकवर कर जाए। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, स्टॉक काफ़ी दिनों से जो ये करेक्शन हुई थी मार्केट में उसके साथ ये नीचे गिरा था, अभी इसको गोल्डन क्रॉस मिला है एंड यहाँ पे ये रेंज शिफ्ट करने की कोशिश में थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ है। अभी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट यहाँ पे वैसे तो इसने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बुक करवाए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑफकोर्स देखी गई है, यहाँ पे निफ्टी भी हाई पे थी तो उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। अभी के लिए देखिए तो ये अपने ना स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आई थी, सपोर्ट भी बना था, यहाँ से रिजेक्शन लेके सॉरी यहाँ से रिवर्सल लेके गया है। यहाँ पे अगेन फिर से इसने सपोर्ट लिया है, तो मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस ना थोड़ी सी बन चुकी है। तो अभी के लिए एंट्री की बात करें तो देखिए एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है। प्राइस बैंड इसका 10 का है, थोड़ा सा ज़्यादा भागा तो हो सकता है प्राइस बैंड इसका रिवाइज कर दिया जाए। न्यूज़ अभी कोई भी नहीं है, 11th को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की आई है, ऐसे सच कोई न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। अभी के लिए देखें हम तो वॉल्यूम की बात करें तो वेनसडे को वॉल्यूम आया है 12.13 मिलियन के आसपास NSE पे, एंड ट्यूजडे को वॉल्यूम आया था 9.29 मिलियन का NSE पे, एंड मंडे को आया था 10.80 मिलियन का। तो देखिए ट्यूजडे के मुकाबले वेनसडे को वॉल्यूम में नो डाउट जंप देखा गया है, लगभग 4 मिलियन के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा जंप है। 4 मिलियन मतलब 40 लाख के आसपास का जंप देखा गया है, काफ़ी अच्छा जंप है। तो अभी के लिए एंट्री पॉइंट से हम देखें तो मुझे लगता है कि एंट्री यहाँ पे बनती ज़रूर है, काफ़ी रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि कल एक ही ट्रेडिंग डे है हमारे पास फ्राइडे का, एंड फिर 2 छुट्टियाँ हैं, तो हो सकता है कि 2 छुट्टियों में कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसका कि हमारे स्टॉक पर फ़र्क पड़े। तो कोई बुरी न्यूज़ आ गई तब तो बहुत दिक्कत की बात है, अच्छी न्यूज़ आ गई तो अच्छी बात है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा देखूंगी, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस भी है, तो मैं थोड़ा सा देखूंगी कि ये फ्राइडे को किस तरीके से मूव लेता है। वैसे इसके टारगेट लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें यहाँ तक के मूव दे सकता है। इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है 41.70 की, मुझे लगता है यहाँ तक के टारगेट दे सकता है ये, अगर सब कुछ सही रहता है और न्यूज़ कोई सच नहीं आती है वीकेंड पे। तो मुझे लगता है 20th तक यहाँ तक के टारगेट ये बड़े आराम से दे सकता है, 20th अप्रैल तक। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म की यहाँ पे एंट्री वैसे फ्राइडे को रेकमेंड नहीं करूँगी, मुझे अगर बनानी हो मतलब मैं होती तो मैं यहाँ पे फ्राइडे को नहीं बनाती, मैं लाइव मार्केट में ज़रूर देखती कि किस तरफ को जा रहा है स्टॉक। वॉल्यूम बड़ा है ज़रूर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अप मूव हमें यहाँ से मिले। बट यहाँ पे देख सकते हैं हमें रिजेक्शन भी आई है, यहाँ पे ये रिवर्स लिया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से रिवर्सल लेके गया है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हमारी छोटू सी बनती है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, बट छोटू सी रेजिस्टेंस हमारी बनती है जहाँ से रिवर्सल लेके आया है। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री वैसे मैं नहीं बनाती यहाँ पे फ्राइडे को, क्योंकि यू नेवर नो सैटरडे संडे को कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो अभी के लिए मैं क्या करती कि फ्राइडे को मैं मार्केट को देखती, अगर मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि अगर मैंने फ्राइडे को एंट्री बनाई, एक मैं कैश इक्विटी की बात कर रही हूँ, अगर कैश में मैंने एंट्री बनाई तो मैं फ्राइडे को तो ऑफकोर्स नहीं इसको सेल कर पाऊंगी, राइट। तो अगर सैटरडे संडे को कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो हो सकता है मेरा पैसा स्टक हो जाए मंडे के लिए या थोड़ा लॉन्ग के लिए स्टक हो जाए। तो मैं मुझे लगता है वैसे ये मूव देगा एंड काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेट ये होना चाहिए था, जो कि ये हो भी गया। यहाँ पे RSI भी थोड़ी सी करेक्ट हो गई, अब रेंज शिफ्ट हो रही है। अगर ये रेंज शिफ्ट करके कल ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मुझे लगता है कि एंट्री बनाई जा सकती है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग एनालाइज करके कि क्या होता है सैटरडे संडे को। बट
फ्राइडे को अगर एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलें जो कि 37.65 का है, क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी तो ऑफकोर्स देखने को मिल ही सकती है एंड कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो शॉर्ट टर्म का ही स्टॉप लॉस बनता है। ये मैं लेके चली हूँ कि 20th of April तक का। एंड सेकेंड टारगेट जो है मैं लेके चली हूँ कि जब ये मंथ एंड होगा, 20 डेज़ का टारगेट लेके चली हूँ कि मुझे लगता है यहाँ तक 42 तक हो सकता है ट्रेड कर सके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये एरिया जो है काफ़ी स्ट्रांग है, 41 एंड 42.5 का ये काफ़ी स्ट्रांग है रेजिस्टेंस का एरिया। तो अगर जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे हॉल्ट ये ज़रूर लेगा एंड RSI भी अगर ये निकल गया तो RSI भी काफ़ी हाई पे चली जाएगी जहाँ से ये हॉल्ट लेगा, ठीक है। तो ये है एंड रेस्ट स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, बट अगेन आई एम सेइंग कि फ्राइडे को मुझे लगता है कि दुविधाजनक है थोड़ी सी एंट्री, तो मार्केट पे ध्यान रख के बनाएं। ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन या आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो वो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कि कैसे एनालाइज करना है, तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं एंड
जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8 10 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री मैं थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करने चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।